मुंगेर में बाइक सवार तीन लोगों ने बेगूसराय जेल में पदस्थापित बीएमपी के जवान को दाएं हाथ में मारी गोली। गंभीर अवस्था में परिजनों ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती। घायल जवान ईद मनाने के लिए आया था अपने घर मुंगेर। ये घटना मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गुलजार पोखर की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सरमाग लाइव के लिए मुंगेर से अमृतेश सिन्हा के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। बेगूसराय जेल पे मेरी कंपनी में आज मेरी छुट्टी खत्म हो गई थी, तो मुझे 12 बजे पहले वहाँ पहुँचना था। तो बेगूसराय की एक ही ट्रेन है 5:15 बजे, तो मैं ट्रेन पकड़ने के लिए मतलब कि 4:40 करीब घर से निकला कि 10 मिनट लगे पहुँच जाएंगे। घर से निकलने के बाद मैंने सोचा कि शटर गिरा दें, मेरे घर में कोई नहीं है, सब सोया हुआ था, शटर गिरा देते हैं, मेरे पास बकरी पड़ी है, भाग जाएगी। तो शटर गिराने के लिए शटर को जैसे पकड़ा तो मुझे लगा पीछे कोई गाड़ी आके रुकी है मेरे, तो मुड़ के देखें तो सुपर स्प्लेंडर थी लाल रंग की, तो उसमें मेरा साला बैठा हुआ था। बस फर्स्ट मतलब कि बंदूक टाना तो फायर किया, बस हम भागे, भागते मेरे हाथ में लग गया और चलता बना। क्यों आपको साला काली गोली मारना चाहते, क्यों आखिर क्या बात? इसकी बहन मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, बार बार झूठा इल्जाम लगाती रहती है, कुछ से कुछ कम लगे भाई डाइवोर्स ले लो हमसे, कहे के लिए हमको मतलब डिस्टर्ब करो, मेरे परिवार को नहीं रहना चाहती हो तो साला बोला ठीक है डाइवोर्स लेंगे, 20 लाख रुपया आप दीजिए। तो हम बोले 20 लाख रुपया देंगे तो हम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, बस इतना सही बात था। उसके बाद फिर कभी कोई बात विचार हम लोग के बीच हुआ नहीं। क्या मामला आपको पति पत्नी के बीच में चल रहा है? पत्नी जो है रहती ही नहीं हमारे पास। कब शादी हुई थी? शादी हमारी 2015 में हुई थी, 29 अप्रैल 2015 को, और शादी होने के बाद वो 2-3 दिन रहती थी, घर भाग जाती थी। हमारी सास को शिकायत की कि भाई हम परिवार बसाने के लिए आए हैं, हमको छुट्टी बहुत कम मिलती है, तो मेरे साथ रहे। तो सास मेरी कहे कि अच्छा बाल बच्चा होगा, ठीक हो जाएगा, अभी नहीं नहीं है। हम एक बेटी भी हुई सदर अस्पताल में, नॉर्मल डिलीवरी हमने से हुई, फिर भी विचार वही है। हम छत्तीसगढ़ राजस्थान